जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी एपीके का लोगो चेंज कर सकते हैं, किसी भी एपीके का वर्जन नेम, वर्जन कोड चेंज कर सकते हैं, पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं विदाउट हैविंग द कोड। अगर आपके पास किसी एपीके का कोड नहीं है तो फिर भी आप उस एपीके के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एपीके प्योर के ऊपर जाते हैं और वहाँ से कोई भी एक एपीके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एपीके प्योर लिखना है आपने, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने किसी भी एक ऐप का नाम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम हो हॉरोस्कोप। ठीक है, अब ये हॉरोस्कोप की बहुत सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे आ गई हैं। हम कोई भी एक एप्लीकेशन फर्स्ट डाउनलोड कर लेते हैं या फिर ये थर्ड वाली डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ डाउनलोड एपीके पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी इसकी। ठीक है जी, तो ये एपीके डाउनलोड हो चुकी है। अब इस एपीके को मैं डाउनलोड्स के फोल्डर से कॉपी करके और अपने फोल्डर के अंदर, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो लोगोज इसके मैंने चेंज करने हैं वो लोगोज भी मैंने अलग अलग साइजेस के अंदर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने फोटोशॉप के ऊपर एडिट कर लिए थे, 48x48 का लोगो ये है, इसी तरह से 144x144 का लोगो ये है। ठीक है, सारे लोगोज एक ही सेम नाम से हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद ये करना है कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर आप जाएंगे मेरी वेबसाइट octalops.com के ऊपर, उसका लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपने वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने ये जो एपीके है इसको आपने लोकेट करना है। या तो आप इस तरह भी ओपन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एपीके जो है वो यहाँ पे रीड हो चुकी है। ठीक है, रीड होने के बाद हमने यहाँ पे इसके आइकन्स चेंज हमने करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 48x48 वाला आइकन है इसको राइट क्लिक करके रिप्लेस आइकन करूँगा, और डेस्कटॉप पे जो मैंने अपना फोल्डर बनाया हुआ है यानी कि ये वाला फोल्डर, इसमें से 48x48 का जो आइकन है वो मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ से सेकेंड आइकन मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, थर्ड आइकन रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी, फोर्थ आइकन रिप्लेस करेंगे, और सारे के सारे आइकन्स हमने रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है, तो आपने यहाँ पे आना है ट्रांसलेशंस के अंदर। यहाँ पे इसका ये बता रहा है कि strings.xml के अंदर इसका नाम ये लिखा हुआ है, आई होरोस्कोप। ठीक है, हमने इसका नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं होरोस्कोप 2024। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो ये आपका नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जब आप आएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे इसका वर्जन कोड चल रहा है 60200। तो जब भी आप प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं या फिर न्यू एप्लीकेशन अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसका वर्जन कोड इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ से वर्जन नेम भी इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर स्मॉल चेंज है तो यहाँ से चेंज करते हैं, अगर उससे बड़ी चेंज है तो यहाँ पे करते हैं, और सबसे बड़ी चेंज है मेजर चेंज तो वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, खैर ये अलग टॉपिक है। अच्छा, इसका मिनिमम एसडीके वर्जन भी आपको बता देगा कि 24 है, और टारगेटेड एसडीके वर्जन भी बता देगा 33 है। इन दोनों चीज़ों को आप सॉरी इसको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 24 को, लेकिन टारगेट एसडीके वर्जन को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर सेटिंग्स करनी पड़ती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ठीक है, ये काम हो गया।
इसके बाद सिंपली आप यहाँ से पैक एपीके करेंगे, ठीक है, मतलब ये अभी अनपैक हुई हुई है, ठीक है, इसको आप दोबारा से आप इसको करेंगे पैक, ठीक है, पैक करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इसी के अंदर एपीके के अंदर, उसको मैं नाम दे देता हूँ अपडेटेड एपीके, और इसके अंदर हम न्यू एपीके जो है उसको अनपैक करेंगे, तो इसको बोलते हैं अपडेटेड डॉट, या इसको बोलते हैं होरोस्कोप डॉट एपीके, ठीक है, सेव किया, ठीक है, तो हमारी एपीके जो है वो पैक हो चुकी है और पैक होने के बाद उसने उसको वहां पे सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से उस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो ये अपडेटेड एपीके के नाम से हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये होरोस्कोप डॉट एपीके के नाम से न्यू फाइल जो है वो सेव कर दी गई है, ठीक है। अब आप जब इस एपीके को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास न्यू आइकन शो होगा प्लस उसका नाम भी न्यू शो होगा, और अगर आप इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसका जो वर्जन कोड है वो भी हमने अपडेटेड अपडेट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको इजीली प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।